हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल आर्यन ग्लोरी में। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे भिन्न का जोड़ यानी कि फ्रैक्शन का एडिशन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं 3/5 + 4/5। तो अगर आपको ऐसी भिन्न मिल जाती है कि हर सेम हो, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि अंश में हम अंश ऐड कर देते हैं और लिख देते हैं, और हम नीचे का एक हर लिख देते हैं। 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, तो हम लिखेंगे 7/5। तो मान लीजिए यहाँ पर एक और भिन्न होती +1/5, तो हम क्या करते 1 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर हम लिखेंगे 8/5। यदि हमारी भिन्न 3 होती या 4 होती या 5 होती तो हम वही करते, बस कंडीशन यह रहती कि हमारा हर सेम रहता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए है 4/5 + 6/2। हमने उसमें देखा था कि हर हमारा सेम था, तो हम क्या करते थे कि अंश का अंश और अंश हम ऐड कर देते थे और नीचे का हम बटे में हर लिख देते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमारे दोनों हर डिफरेंट है। यदि ऐसी भिन्न हो कि हमारा दोनों हर डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे, हर का मल्टीप्लाई हम हर में कर देंगे। 5 × 2 = 10 नीचे लिखेंगे ऑन 10, फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 4 × 2 = 8 8 + 6 = 30 + 30 कितना हो जाएगा, जब हम 8 में 30 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 38 upon 10। तो हम ये देखेंगे कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, कट रहा है, 2 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 19 बार, ये कितनी बार जाएगा 5 बार। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 19/5। हमारा ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब कोई 2 भिन्न होंगी। जैसे क्या करेंगे, हम नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करके लिख देंगे, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। यदि 3 भिन्न होती, 4 भिन्न होती, 5 भिन्न होती, तो हमारा ये फॉर्मूला लागू नहीं होता जिसका हर डिफरेंट हो। तो हम क्या करते, एलसीएम मेथड से उसे सॉल्व करते। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यदि ऐसी भिन्न रहे कि हमारा हर डिफरेंट हो, हमने तो पढ़ा था कि हमारी 2 भिन्न रहती हैं, उसका अगर हर डिफरेंट हो तो हम नीचे का मल्टीप्लाई नीचे में करके नीचे लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देते हैं। यदि कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटता है तो छोड़ देते हैं उसी तरह। लेकिन इसमें हमारी 2 से ज़्यादा भिन्न है, 3 हो या 4 हो या 5 हो, कितनी भी भिन्न हो, हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे भाग विधि से या फिर गुणा विधि से, तो हमें हमारा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इसके लिए एक ट्रिक होता है। जो हर है इसमें से हमारी जो बड़ी संख्या है वो है 20, हम उसको ऊपर लिख लेते हैं। 20 को जब हम ऊपर लिखेंगे अपॉन, फिर जो हमारी छोटी संख्या है इसको हम नीचे लिख देते हैं 5 और 15। फिर उसके बाद हम ऐसी कोई संख्या लेते हैं, हम 20 से ऐसे कोई संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं जो इन दोनों से कट जाए। तो जैसे हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 40। तो जो हमारा 40 है वो 15 से नहीं कटेगा लेकिन 5 से कट जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों से कट जाए, तो हमारा 40 नहीं होगा, हम मल्टीप्लाई 3 ले लेंगे। हम संख्या तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि इससे कट नहीं जाता। तो देखिए अब तो हम 20 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 60। हमारा 5 से 60 कट जाएगा और 15 से भी 60 कट जाएगा, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो हम इसको अपॉन 60 लिख देंगे। फिर उसके बाद ये जो हर है हम इसका डिवाइड 60 में कर देंगे 5/60। तो ये हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, हम लिख लेते हैं 12 बार, फिर हमारा आंसर आया 12। फिर उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 12 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40
8। जब हम यहाँ पर प्लस लिए हैं तो यहाँ पर भी प्लस ही लेंगे प्लस, फिर उसके बाद हम 15 का डिवाइड 60 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर अब हम 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 प्लस 12। तो फिर उसके बाद अब हम 20 का डिवाइड 60 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 3 × 5 = 15 प्लस 15। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 60। 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 75। 75/60। तो देखिए अब ये है हमारा कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो ये कितनी बार होगा, 12 बार। फिर उसके बाद अब हम इसको काटेंगे तो 5 × 5 = 5 तो नीचे हमारा 2 बच जाएगा। फिर उसके बाद हम 5 को उतार लेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25। तो देखिए अब ये दोनों कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 4 = 12 3 × 5 = 15 तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 5/4। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।